दोस्तों कैसे आप सब लोग। अच्छा देखिए, ये मैं वीडियो काफ़ी दिन से के बाद डाल रहा हूँ, और ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों की मतलब ट्रेडिंग तो वो कर ले रहे हैं, ठीक है, और फिर सबके दिमाग में एक ही बात रहती है कि सर ये मार्केट लोड क्या होता है, बुक की खाइल गई क्या होती है, बुक पे लोड कैसे बढ़ता है, मतलब ये सब कैसे चेक करें। ठीक है, ये मैं इसके लिए बना रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप, क्योंकि मार्केट में बहुत से बंदे हैं जो मार्केट लोड बोलते हैं, ठीक है, कि मार्केट लोड से ये होता है। अच्छा, उनकी एक्यूरेसी भी ठीक ठाक रहती है, 50% तक रहती है, 60% तक रहती है, पर एक चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। देखिए, कोई भी बंदा वो मार्केट लोड कहाँ से देख रहा है, ज़रूरी है ना, वो कोई ना कोई आईडी से देख रहा है, क्योंकि बंदे वहीं खेल रहे हैं ना, उसी से उसको पता चल रहा है ना कि खाई लगाई क्या हो रही है, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि वो बेटफेयर के ऊपर बैठा है वहाँ से देख रहा है, और इतना दिमाग तो आपके पास भी है ना कि कोई भी बंदा अगर मार्केट लोड दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं कोई आईडी पैनल मास्टर से आईडी देख रहा है, तो डिपेंड करता है ना उसके पास कितने बंदे खेल रहे होंगे, 100, 200, 500, 1000, ठीक है। अब 1000 बंदे किसी टीम पे खाई लगाई कर रहे हैं, 1000 बंदे किसी टीम पे खाई लगाई कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब कैसे निकाल सकते हैं मार्केट लोड, वो तो 1000 बंदों का कैलकुलेट किया हुआ रिस्क हुआ ना कोई टीम पे है। ये तो ओवरऑल मतलब पूरे देखा जाए तो एशिया के मतलब जहाँ लीग हो रही है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जहाँ भी ये लीग हो रही हैं, जहाँ भी मैचेस हो रहे हैं, सारे पंटर खेल रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि वहीं 100 पंटर खेल रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपन लोड निकाल लेंगे और वो टीम विन हो जाएंगी या मतलब हार जाएगी। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये रख लीजिए कि जो भी मार्केट लोड अपन देख रहे हैं ना कहीं से भी, तो वो अपने को पूरा आइडिया नहीं दे सकता। आइडिया मिलता है पर अपने को पूरा आइडिया नहीं दे सकता वो कि कौन सी टीम हारेगी, कौन सी टीम जीतेगी। पहली बात तो मार्केट लोड की ही होगी, और दूसरी बात मार्केट लोड की आप ये समझ लीजिए कि किसी भी टीम पे अगर लोड हो रहा है, अब लोड दो टाइप का होता है, एक हारने का होता है, एक जीतने का होता है, समझ रहे हो। किसी टीम को नहीं हारना और उस पर हारने का लोड है, और किसी टीम को जीतना और उस पर जीतने का लोड है, दो टाइप के लोड होते हैं। आपने देखा होगा ना कभी किसी किसी मैच में लो से उड़ जाते हैं, ठीक है, और कोई स्ट्रेट ही मैच हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है ना, ये अलग जगह मैटर करती है, लोड अलग जगह मैटर करता है, ठीक है। जो पैसों का लोड होता है, किस चीज़ पे, किस टीम पे कितने पैसे लग चुके हैं, किस टीम पे कितने पैसे की खाई हो चुकी है, किस टीम पे कितने पैसे की लगाई हो चुकी है, आप आम भाषा में इस तरह से चीज़ को समझ सकते हैं। अब बात आई कि हमें इससे फ़ायदा क्या, हमें इससे फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं, सीधी सी बात तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये लोगों ने अपने अपने तरीके निकाल लिए हैं, ठीक है, पैसे कमाने के। आपको अपना ही कैलकुलेशन, अपना दिमाग ही लास्ट में आपको काम आएगा। जिसके पास सोचे, जो बड़ी बड़ी बुक चला रहे, आपने देखा हो ना टिप्पर, जो बहुत बड़ी बड़ी बुक चला रहे, उनका प्रमोशन कर रहे हैं, वहाँ पे लाखों पंटर खेल रहे हैं, ठीक है, लाखों पंटर खेल रहे हैं, और वो टिप्पर भी टिप देते, उनकी टीम भी फेल हो जा रही है। क्यों हो जा रही है, अगर उनके पास तो लाखों लोगों का लोड है ना, तो उनके पास तो एक्यूरेसी मतलब बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो 80% तो उनके पास एक्यूरेसी होनी चाहिए ना, उनकी टीमें भी फेल क्यों हो जा रही। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर वो मतलब जिस बुक का प्रमोशन कर रहे वही बुक प्लस करवा रहे, तो भाई बुक का प्रमोशन तो वो एक 6 महीने कर लेंगे, 7 महीने कर लेंगे, 1 साल कर लेंगे, उसके बाद तो बुक चेंज करते हैं ना। तो हम देखा होगा कंटिन्यूअली कोई पंटर 10 साल से एक ही बुक का प्रमोशन कर रहा है, और उसको अपना चैनल भी चलाना होता ना, तो वो कंटिन्यूसली फेल देंगे, तो उसको भी फर्क पड़ता ना, ठीक है। अब वो एक टीम पास दे देगा तो बोलोगे सर उसने तो बुक के अकॉर्डिंग निकाल के पास दे दी थी, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। लोड को काम में लेते हैं, वो बहुत ऊपर की लेवल की चीज़ें होती हैं, और वो लोड कब कहाँ शिफ्ट हो जाएगा वो तो ऊपर वालों को भी नहीं पता होता ना, वो तो जो करंट सिनेरियो चल रहा है तो उसी हिसाब से सेट करते हैं वो लोग, ठीक है। एक सिंपल वे में अगर मैच चल रहा है तो आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, उस तरीके से आप सिंपल वे में समझ सकते हैं। देखिए, जैसे कोई टीम लो लग चुकी है, लो लगने का मतलब 40, 50, 30 पैसे, ठीक है, 50 पैसे से नीचे की, तो उसमें आप अपने ऊपर लेके देखिए या सब पंटरों के ऊपर लेके देखिए या सोचिए कि पंटर क्या करता है। 30 पैसे में कोई नहीं लगाता ना, 30 पैसे में सब खाते हैं, 20 पैसे में सब खाते हैं, 10 पैसे में और खाते हैं, 10 पैसे से अंडर तो और दबा दबा के खाते हैं, ठीक है। मतलब यूँ समझिए कि 50 पैसे से नीचे भाव जैसे ही चालू हुआ, लोगों ने खाई चालू कर दी। अब आप किसी टीम को खा रहे हो, खाए जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उस टीम को आप हरा रहे हो ना मेरे भाई, उस टीम को वहाँ से हरा रहे, और अगर वहाँ से वो टीम हार जाती है तो किसको लॉस होगा, बुक की को लॉस होगा ना,
और बुक्की जो अपन लोकल बुक्की के पास खेल रहे हैं उसको लॉस नहीं होगा मेरे भाई, पहले बात दिमाग से निकाल दो। लॉस जो ऊपर बड़े मार्केट बैठे हैं, बड़े माफे बैठे हैं, उनको लॉस होगा। ये अपने छोटे बुक्की, इनको लॉस नहीं होता, ये कटिंग करके निकल जाते हैं। रेयर ही कोई बुक्की होगा जो आगे कटिंग नहीं करता होगा, उसको ही लॉस होता, बाकी हर बुक्की कटिंग करके निकल के प्लस में ही निकल जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं मुद्दे की। देखिए, जो भी आपने लो में खाई है तो टीम को आपने खाया खाया खाया, वो टीम हारेगी तो आपको पैसे आएंगे। अब कौन सा ऐसा इंसान होगा, कौन सा ऐसा बुक्की होगा जो ये चाहेगा कि यहाँ से टीम हार जाए और मैं पैसे आपको दे दूँ? नहीं होगा ना। तो वो वहाँ से टीम हारने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो सीधी सी बात है, जिस मतलब लोड का हुआ, फिर वो लोड उस टीम पर हुआ ना कि वो टीम भैया अब नहीं हार सकती, वो टीम अब नहीं हार सकती, क्योंकि उस पर इतनी ज़्यादा खाई हो चुकी है कि अगर वो टीम अब हार जाएंगी तो मार्केट में पैसे देने के लिए पैसे नहीं होंगे, उनको लॉस होगा। ठीक है, अब आती है बुक बैलेंस की बात। अब चीज़ें यूँ बन जाती है कि वो मतलब टीम, मतलब नेचुरली समझ लो या कैसे भी समझ लो, वो टीम अब हारने के चक्कर में आ गई भैया, या उसकी विकेट गिर गया ना चाहते हुए भी। कुछ चीज़ें ऐसी घट हो गई हैं कि वो भैया लगता है कि ये टीम अब यहाँ से हारेंगे, तो वो उस कंडीशन में बुक बैलेंस बोलते हैं उसको। तो भाव वो ऊपर लेके जाते हैं 50, 60, 70 पैसे तक, 80 पैसे लेके जाते हैं। वो अपने को दिखा रहे हैं पंटर को कि भैया अब ये टीम यहाँ से जीतेगी, भाव ऊपर लेके जा रहे हैं पंटर को लगता है ना। अब पंटर लोग क्या करते हैं ना कि देखो, छोटे पंटर रहते हैं ना वो तो कटिंग कर लेते हैं क्योंकि ठीक है अपनी बुक बना लेंगे, और जो बड़े पंटर होते हैं ना वो माल पलटना चालू कर देते हैं। वो माल पलट देंगे, 70 पैसे पलट दिया, 60 पैसे पलट दिया, 50 पैसे पलट दिया, वो डर का खेल होता है। अब जैसे पूरा माल उस टीम पर पलट दिया जाता है ना, पूरा माल, ठीक है पूरा माल, अगर 70 पैसे 80 पैसे में पूरा माल उस पर पलट दिया जाता है, अब उस टीम के शरीर ये बन जाते हैं कि भैया अब वो टीम जीतेंगे तो बुक्की को लॉस होगा, अब वो टीम हार जाएगी तो पंटर को तो वैसे ही कुछ नहीं आ रहा, पंटर तो पहले हार रहा था, अब उस टीम को जीता रहा, अब वो टीम अगर वहाँ से जीत जाती है तो बुक्की को लॉस होगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, फिर वहाँ से भाव वापस डाउन लेके आएंगे टीम का। आपने देखा होगा कई मैच में भाव ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर वहाँ से पंटर क्या करेंगे, जो प्लस अमाउंट उसके पास बेचारे के पास थोड़ा बहुत है वो वापस उस टीम को खा के बैठ जाएगा। तो या तो अपनी वो छोटी मोटी बुक बना लेगा, ठीक है, या फिर वो पूरा ही खा के बैठ जाएगा। तो वो भाव नीचे से ऊपर ले जाएगी, जब नीचे भाव लेके आते हैं उस कंडीशन में आपने पर्सनली कभी चेक करना, आप प्लस में होते ही नहीं हो, और होते हो तो बहुत ही कम होते हो जितना पहले केस में प्लस हो रहे होते हो। इसको बोलते हैं बुक बैलेंस करना। जब भी भाव ऊपर जाता है लो से तो वहाँ पे पंटर पैसे लगाना स्टार्ट कर देता है। आप चीज़ें इस तरीके से समझ सकते हो मैच में अपना ही ब्रेन यूज करके। ठीक है, देखिए कोई टीम को अगर वो बहुत ही लो कम भाव में बंद कर देते हैं किसी भी मैच में, उसका 70-80 पैसे भाव क्या था और सेकेंड इनिंग में वही टीम बंद कर देते हैं, तो ऑब्वियसली अपना पंटर का माइंड है मैच उड़ाने का, वो मैच उड़ाने के लिए जाएंगे और वो वहाँ से उसको टीम को खाना स्टार्ट कर देंगे 20 पैसे में 10 पैसे में, जितने भी भाव ओपन हो उसमें वो खाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि वहाँ से फिर वो या तो मैच सीधा ही डेड कर देंगे, ठीक है, और वो मैच उड़ाएं भी कि ना तो वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उड़ाते हैं मैच, पता है 20 पैसे 30 पैसे भाव गया, मतलब वो कुछ देर होल्ड करेंगे भाव को, 20 पैसे के भाव को ज़्यादा नहीं ना तो वो 10 ओवर तक भी होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि पंटर को इतना डरा देंगे कि पंटर को वो दिखा देंगे कि मैच डेड हो चुका है, मैच डेड हो चुका है यहाँ से। तो पंटर आधे से ज़्यादा पंटर, 80% पंटर मैं बता रहा हूँ, वो यही सोचेंगे कि यहाँ से मुझे बस मेरा भाव मिल जाए, मैं काट के निकल जाऊँ। आपके साथ बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि जैसे ही आपने होल्ड किया जान हलक में आ गई होंगी आपकी, जैसे आपको अपना 20-30-40 पैसे खाई का भाव मिला, आपने तुरंत वहाँ से मैच पूरा माल पलट दिया, आपने सोचा चलो रे जान बची, पर वहीं से मैच उड़ जाता, वहीं से मैच उड़, क्योंकि उनको मार्केट में पैसे तो देने हैं पर कम पैसे देने हैं, ऊपर जो बैठे हैं उनको मार्केट में पैसे तो देने हैं पर कम पैसे देने, ये चीज़ें होती है बैलेंस करने की। अच्छा, अब ये मुझे कैसे पता था कि वो छोड़ी चल जाती है, चीज़ें होती है ऐसी। ठीक है, आपका अगर कोई पर्सनल कोई बुक चला रहा है, बड़ी बुक होनी चाहिए ना, छोटी मोटी नहीं, और या कोई ऑफलाइन बुक की कभी आप उसके टच में हो तो उससे पूछिएगा, वो आपको ये सारी चीज़ें बताएगा कि बुक बैलेंस क्या होता है। बुक को हल्की करना बोलते हैं आम भाषा में, कि बुक हल्की कहाँ हो रही है। ठीक है, पंटर को ज़्यादातर क्या लगता है कि जैकपॉट मैच उड़े हैं, ठीक है, बुक्की को बहुत ज़्यादा लॉस हो गया होगा, भाई बुक्की को लॉस नहीं होता, समझ रहे हो, बुक्की को लॉस नहीं होता। वो लोग 20 पैसे के भाव में, हमेशा बोलता हूँ मैं, 20 पैसे के नीचे के भाव में बुक्की अपनी कटिंग कर लेता है। ये चीज़ें जुड़ी हुई ना भाई, कोई कहीं ना कहीं से तो लाइन लेके, ऑफलाइन बोलते तो उसको लाइन बोलते, लाइन लेके खेल रहा हूँ खिला रहा हूँ या ऑनलाइन खिला रहा, तो किसी से पैनल लिया होगा, किसी से मास्टर ली होंगी, उसके पास से लेके खिला, तो कहीं ना कहीं तो अपनी कटिंग कर रहा ना।
अब ये हाथ में बुक्की के पास कितने सौदे अपने हाथ में रख लेता वो और कितने वो आगे निकाल देता है, ठीक है। वो सौदे हाथ में रखने का मतलब है कि उसको पता है, उसको पता है कि उसको कौन से सौदे रखने हैं और कौन से सौदे आगे निकाल देने, समझ रहे हो। और वो सारे काम सारे सिस्टम आप ही के पैसे से करता है, ना कि वो अपना एक पैसा डालता है आईडी में। कोई भी बुक्की ऐसा नहीं है जो आईडी में अपने पैसे डालता है, वो आप ही के पैसे से कटिंग करता है, आप ही के पैसे से वो प्रॉफिट बनाता है। ये बात एक ध्यान में रख लीजिएगा, हमेशा काम आएगी। तो कभी भी मैच में एंट्री लेनी है कुछ भी का, तो पहले बुक्की के माइंड को समझना होगा कि वो क्या करना चाह रहा है, ना कि ये देखना कि टीम क्या करना चाह रही। भाई वो कठपुतली है, वो उसी के हिसाब से चलेंगे। अभी आपने आईपीएल का ऑप्शन देखा हो, क्या हो रहा है उसमें, ये करोड़ों करोड़ों रुपए के प्लेयर जा रहे हैं कि ये समाज सेवा करने जा रहे हैं क्या भाई, या बॉर्डर पे लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं भाई हैं। और जो इनके क्या बोल रहा हूँ, जिन मालिक ही बोल सकते हैं ना, उन्होंने इनको खरीदा है, तो वो लोग क्या करवाएंगे इनसे, डांस करवाएंगे हैं। ये पैसे कहाँ से निकलेंगे भाई, इतने पैसे डाल रहे हैं ये लोग, अपने से निकलेंगे ना। तो थोड़ा सा दिमाग यूज करो। ये पहले हुआ करता था, गाड़ी चल रही है, बस चल रही है, किसी के भरोसे, किसी के भरोसे मत रहिए। आंखें खोल लीजिए, आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप लॉस में। आंखें खोल लीजिए, बस बीमारी यही ना, हम जादू चाहते हैं, जादू मैजिक करना चाहते हैं। जो चीज़ें सामने चल रही हैं हम उसको देखना ही चाहते, कबूतर की जैसी ज़िंदगी होगी, कबूतर की जैसी ज़िंदगी, आँखें बंद कर ली बिल्ली को देख के। भाई आँखें खोल लो, वो आपके लिए ही ट्रैप बना रहे हैं, आपके लिए ही बैठे हैं। हम कभी मानते ही नहीं है कि जो सामने चल रहा है, मानेंगे नहीं भाई। 220 रन बन चुके हैं, कितने बार चेस होते बताओ मुझे, 10 में से कितने बार वो मैच चेस होते बताओ मुझे अब। पर हम उसको चेस, पंटर को चेस ही करवाएंगे। अरे भाई 10 पैसे का भाव लुक चुका है, वो वहाँ से मैच को उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे। ये नॉर्मल सी बेसिक चीज़, सच को समझ लो, सच को मान लो। सच मान के चलोगे प्रॉफिट का तो आपका एक्सपीरियंस है कितना बना सकते हो, पर लॉस की मैं बता सकता हूँ, लॉस बहुत कम कर लोगे, ठीक है। चीज़ों को समझो, फिर पैसे इन्वेस्ट करो, फिर खेलो, ठीक है। यूं ही आंख बंद करके इस जगह आ गए हो तो यहाँ पे गटर है, डूब जाओगे, नहीं निकल सकते। और यह इतनी गंदी लत लग जाएंगी, हर किसी टिप्पर पंटर के चक्कर में रहोगे आप, और फिर हमें ओवरऑल आपको लॉस ही होकर निकले, ठीक है। तो ध्यान में रखो चीज़ें, बुक के बैलेंस को समझो, बुक्की के माइंड को समझो, भाव को समझो। अच्छा एक मैच बात और बता देता हूँ, आपकी सुन के मज़ा भी आएगा और आपको लगेगा भी ये होता है। देखिए जब कोई मैच उड़ जाते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि आज तो बुक्की गया और पंटर ने बहुत कमाया। एक्चुअल में तो कोई नहीं जाता भाई। आपने आजू बाजू कभी देखा ना, आपको आपके दोस्त जो बैटिंग करी उनमें भी आपको बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने कभी गलती से 10-20 हज़ार, छोटी रकम बता रहा हूँ, मतलब है तो रकम किसी के लिए बड़ी है, किसी के लिए छोटी है, मेरे लिए भी बड़ी है, सबके लिए छोटी बड़ी होती है, उसको साइड में रख लीजिए। 10-20 हज़ार रुपये किसी ने आपके किसी फ्रेंड ने लगाए होंगे 5-7 पैसे में, और वहीं से मैच उड़ गया, वो लगा दिया ना। तो मार्केट में ऐसे बहुत से लोग बैठे पेटियों की पेटी लिए हुए, वो लोग क्या करते हैं कि छोटे भाव 7-8 पैसे छोटे भाव में वो पेटी की पेटी लगा देते हैं। उनको उड़ाने के चक्कर में मैच उड़ाए जाते हैं, ना कि ये छोटे पंटर होते हैं ना, इनको देने के चक्कर में। पंटर को लगता है कि भाई आज तो मैच उड़ गया भाई, वो मैच उड़ा आप लोगों के लिए, छोटे मोटे 2-3-4-5 हज़ार वालों के लिए, ठीक है। असली पीछे पर्दे के पीछे जो लोग उड़ गए ना, असली कमाई वो है वो, ठीक है। इसी बहुत सी चीज़ें बताऊँगा कभी, ठीक है। पर देखिए काम में आएंगे ये वीडियो से, अगर कुछ सीख सको तो बढ़िया, ना सीख सको तो वैसे ज़िंदगी तो चल ही रही है, वैसे ही चलेंगे भाई, आपकी मर्ज़ी।